शहरात हिंसक गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असतानाच आणखी एका खुनाची नोंद झाली आहे. नंदनवन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पडोळे नगर येथे एका गुन्हेगाराची दगडाने ठेचून निर्घुण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. विकेश सुखदेव जाधव असे गुन्हेगाराचे नाव असून तो शास्त्री नगर येथील रहिवासी आहे. या भीषण हत्येने परिसरात खळबळ उडाली असून नंदनवन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतला. नंदनवन पोलिसांनी गुन्ह्यातील चारही आरोपींना अटक केली असून पुढील तपास नंदनवन पोलीस करीत आहे. दिनांक 15 तारीख को दोपहर के 3 बजे से एक रिपोर्टिंग हुआ था. मयत इसम विकेश जाधव करके है, उसको उसके पुराने दोस्त ने निखिल उर्व डम्ब्या मनोहर वासनिक और उसके 3 साथीदार इन चारों ने मिलके पत्थर से और सुराज से मार के उसकी हत्या की, ऐसा रिपोर्टिंग हुआ था. हम स्पॉट पर जाने के बाद वहाँ से आरोपी फरार हो गए थे. वहाँ के जो देखने के बाद वहाँ पत्थर से उसके सर पर मारा था और बाद में वो जो घटना घटी उसके बारे में तुरंत 4 टीम बनाए थे. चारों टीम आरोपी को ढूंढने के लिए भेज दिए थे और आज सुबह वो आरोपी चारों की चारे पुलिस ने हस्तगत किया है. कम समय में उनको तो पूछताछ हुई और उन्होंने गुना किया ये कंफर्म किया है. उसको अभी अरेस्ट कर रहे हैं हम और कोर्ट में पेश कर रहे हैं. कोर्ट में उसको एक PCR लेंगे और आगे की तहकीकात में उनके साथ कोई और है क्या, उनका कोई कट था, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं.